हेलो एवरीवन, और आज का वीडियो है न्यू इंस्टीट्यूट्स, कितना लैंड रिक्वायर्ड रहेगा इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो देखिए और देखिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, यूजी, पीजी या डिप्लोमा के लिए, कितना लैंड इसमें रिक्वायर है। स्टार्ट करते हैं, और ऐसी ही वीडियोज़ में छोटी छोटी लाने वाली हूँ, सो दैट आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँ और आपको चीज़ें पता चलती रहें कि 23-24 में क्या क्या वो चेंजेस आए हैं। तो 23-24 में एकेडमिक ईयर में न्यू इंस्टीट्यूट के लिए एज सच कोई मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस भी कोर्स के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो प्रोग्राम डिप्लोमा है, यूजी है, पीजी है, उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज का बिल्ट अप एरिया एज रिक्वायर्ड एज पर AICTE नॉर्म्स हो, और लैंड जो है वो आपको देखना होगा, आप जिस भी सिटीज़ के अंडर आते हैं, रूरल, अर्बन या मेट्रो, मेगा, जो भी सिटीज़ के अंदर आते हैं, उसके हिसाब से FSI और FAR एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इस साल से इन्होंने कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है लैंड के लिए, तो बस आपने ध्यान देना है जो बिल्ट अप एरिया है रिक्वायर्ड है उसी पर ही आपने ध्यान देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये था लैंड के लिए कि कितना न्यू इंस्टीट्यूट को लैंड रिक्वायर्ड है।